Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing definite integration and this is lecture number 2. In first lecture we have discussed already about the different applications of definite integral and how to calculate definite integral, what is indeed definite integral. So, आज की क्लास में हम इससे थोड़ा आगे एक्सटेंशन में बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल के कैसे एप्लीकेशंस हैं और उसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें तो आपको क्या करना है कि सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रेस्पेक्टिवली रख लेना है. पहले अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू और इससे आपका आंसर निकल जाता है. ये क्वेश्चंस सीखने के लिए है, बस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं और ऐसी इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इस तरह के क्वेश्चन का कि इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाएं या इवन स्कूल में पूछे जाएं. स्कूल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रॉपर्टीज बेस्ड होंगे. तो पहले प्रॉपर्टीज को सीखना जरूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे. और जो बेसिक क्वेश्चन आपको बताई गई है कि जिसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन कर देनी है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है. दूसरा वो जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन अगर करना है तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा. आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे. उसमें आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह की बात होगी कि लिमिट कैसे चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, कितना चेंज करना है. लेकिन फिलहाल जो है वो हम अभी प्रॉपर्टीज पे पहले सीख लें, उसके बाद क्वेश्चंस पे बात करेंगे. तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टीज को सीखना ज्यादा जरूरी है और पहले इसी को सीखते हैं, ठीक है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम बात कर रहे हैं अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल्स, राइट. पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स. ये होता है, ऐसा इसलिए होता है, आप चाहें तो इसका प्रूफ कर सकते हैं. मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो एल एच एस में हम ये लिख सकते हैं कैपिटल एफ एक्स है और इसकी जो इंटीग्रैंड है उस लिमिट है वो ए से बी है. तो ये क्या आ जाएगा, उसके बाद ये कैलकुलेट करने से ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है. इसी तरह से इस इंटीग्रेंट की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, एफ एक्स ही होगी, इंटीग्रेंट तो बदलेगा नहीं, लिमिट बदलने से इंटीग्रेशन तो बदल नहीं जाएगा. और इसकी वैल्यू भी क्या है, इसकी वैल्यू है बी से ए तक, माइनस भी है. तो क्या हम इसे लिख सकते हैं माइनस एफ बी माइनस एफ ए, एफ ए माइनस एफ बी लिखेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. तो ये दोनों बातें सेम है, इसलिए ये दोनों दोनों बातें हैं वो सेम है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं. माइनस साइन लगाना होगा, मतलब जब लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस बात को समझने के लिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज है एक एग्जांपल करें तो ज्यादा बेहतर है ना. एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स, इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, और साइन एक्स में हमने रख दिया ये जीरो से पाई बाई टू, तो क्या हो गया, पहले साइन पाई बाई टू फिर माइनस साइन जीरो, ठीक है. तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हो गई, वन, और साइन जीरो की जीरो, तो आंसर क्या आ गया, वन. अब इस क्वेश्चन को कोई ऐसे करे कि माइनस साइन लगा दे और पाई बाई टू से जीरो करे और ये कॉस एक्स डी एक्स करे तो क्या होगा, कॉस का माइनस साइन होता है, कॉस का साइन होता है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन और बाहर में क्या है आपका माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन एक्स और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेंड की वैल्यू है पाई बाई टू से जीरो, यानी ये हो जाएगा
माइनस साइन जीरो माइनस साइन पाई बाई टू, माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये आ जाएगा जीरो माइनस वन, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया वन। इसका मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों क्या है, सेम है। तो इसलिए आप एग्जाम्पल के जरिए भी समझ गए, लॉजिकल प्रूफ भी समझ गए, तो पहली प्रॉपर्टी को करने का यही फायदा है। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर आपने इंटीग्रेंड सेम रखी a टू a एफ एक्स dx तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। इंटीग्रेंड सेम होने का मतलब है कि आप कहीं से कहीं एरिया निकाल ही नहीं रहे। अगर ये एफ एक्स है और आप इसका कह रहे हैं कि हम निकालते हैं a से b तक, तो दो डोमेन के बीच में तो एरिया निकलेगा। अगर हम a से a तक निकालें तो यही होगा, और यहां से यहां तक एरिया क्या होगा, जीरो। इसलिए जब तक दूसरा चीज नहीं होगा, एक ही होगा, तो a से a तक एरिया यानी यही तक एरिया, ये एरिया जीरो होगा। आप कहीं पर भी रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि इसका इंटीग्रेंड एफ एक्स हो गया इंटीग्रेशन के बाद और ये a से हो गया, तो फिर हम रखेंगे वैल्यू जब, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ ए लोअर लिमिट, और ये क्या हो गया, जीरो। तो इस तरीके से ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेंड सेम हो तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ वाई डी वाई, ये भी एक प्रॉपर्टी है। मतलब ये कि इंटीग्रेंड की लिमिट जो है वो सेम हो तो इंटीग्रेंड में फंक्शन बदलने से वैल्यू नहीं बदलेगी, फंक्शन की वेरिएबल बदलने से वैल्यू नहीं बदलेगा। कैसे, चलिए मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो है इसका क्या है, एफ एक्स है, तो ये कहां से कहां तक है, ए से बी तक। इसका इंटीग्रेंड क्या होगा, एफ वाई, वाई का फंक्शन है तो इसका होगा एफ वाई होगा, और ये भी कहां से कहां तक है, ए से बी तक। अब आप देखेंगे कि इसको करके तो आपको पता चलेगा यहां पर क्या मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ए, वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर भी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो इस तरह से दोनों वैल्यू क्या है, ये सेम है, इसलिए दोनों भी क्या है, सेम। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर हम इंटीग्रेंड सेम हो और लिमिट इंटीग्रेंड का वेरिएबल बदल जाए, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम हो, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं इस बात को, है ना, एक एग्जांपल लेके देखें। तो एग्जांपल सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया कि जीरो से पाई बाई फोर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का लिया हमने जीरो से पाई बाई फोर तक, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताएंगे, ये होता है टेन एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाई फोर तक। अब पहले अपर लिमिट रख दोगे तो टेन पाई बाई फोर माइनस लोअर लिमिट टेन जीरो, टेन पाई बाई फोर वन माइनस जीरो वन, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये कहूं कि इंटीग्रेंड ये हो जाए आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर सेक स्क्वायर वाई डी वाई या सेक स्क्वायर टी डी टी, तो क्या होगा, तब ये इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, टेन वाई, कहां से कहां तक, ये होगा जीरो से पाई बाई फोर तक हुआ, जीरो से पाई बाई फोर तक हुआ। अब इसमें हमने रख दिया अगर टेन पाई बाई फोर माइनस टेन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो दैट इज वन। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ये जो वैल्यू है ये और ये दोनों सेम है, इसलिए आपको ये प्रूफ भी मिल गया और एक एग्जांपल भी हो गया कि हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में अगर वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए, वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम रहे, तो ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये है कि फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा पहले इसको प्रूफ करके देखते हैं ना, क्या लिखे। चलिए आरएचएस से करते हैं, आरएचएस से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स कैसे ये पहले वाले के बराबर है। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट कर लिया a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, जीरो इसका जीरो, इसका माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। चूंकि आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं, करनी पड़ेगी ना, तो लिमिट चेंज कर दीजिए। कैसे, वेन एक्स इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी माइनस ए दैट इज बी, बी आ जाएगी x की वैल्यू, t की वैल्यू। जब x की वैल्यू हम रख देंगे b, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे रखें b, तो ये हो गया a प्लस बी माइनस बी यानी a। तो इंटीग्रेंड जो था हमारा वो बदल के हो गया, पहले a से b था, अब क्या हो गया, बी से ए, बी से ए हो गया। अब आई इज इक्वल टू लिखते हैं यहां पे, आई इज इक्वल टू क्या था हमारा, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स था। इसको हम ऐसे अब लिख सकते हैं कि बी टू ए, इंटीग्रेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी टू ए, बी टू ए और एफ टी और डीएक्स के बदले माइनस डी टी। देखिए ये डीएक्स के बदले क्या आया है, माइनस डी टी, तो ये हो गया माइनस बी टू ए एफ टी डी टी। माइनस को अगर हम उल्टा लिखें तो क्या हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा। ये अगर हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पिछली प्रॉपर्टी में सीखा था कि बी टू ए को अगर ए टू बी लिखू तो एक और माइनस बाहर आ जाएगा, जो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस, तो एफ टी डी टी। और फिर हमने ये भी एक प्रॉपर्टी सीखा था कि इंटीग्रेशन की लिमिट अगर सेम हो, वेरिएबल कोई फर्क नहीं बदल पड़ता वेरिएबल बदलने से, तो एफ टी डी टी या एफ एक्स डी एक्स वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या था, यही हमारा था एलएचएस। इस तरह से ये प्रॉपर्टी प्रूफ होता है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, बी टू ए, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रूफ कर दिया। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के जरिए भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन एक लेते हैं कि पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा। अगर हम ऐसा करें कि इसको प्रॉपर्टीज लगाएं तो क्या लिखेंगे, ए के जगह पर ये है, बी के जगह पर ये है, तो जो भी एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स। सो द सेम थिंग कैन कम अप लाइक पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री साइन पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस एक्स। हमने समझाने के लिए इतनी बड़ी बात लिख दी है, वैसे तो पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री सबको पता है पाई बाई टू होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे पाई बाई टू लिख सकते थे, यानी इस स्टेप के बाद आप सीधे ये स्टेप लिख सकते थे पाई बाई टू माइनस एक्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया डीएक्स। इसको लिख सकते हैं पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, एंड कॉस पाई साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ये है पहला, ये है दूसरा, और ये डायरेक्टली यहां से यहां आप लिख सकते थे
सोचते कि साइन ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो ये दोनों मिलके पाई बाई टू होता है, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ये सीधे ओरली लिखा जा सकता था, अभी चूंकि बिगनिंग है तो समझाने के लिए हमने ये बात लिखी। अब दोनों को प्लस करें तो देखिए डिनोमिनेटर इसका भी क्या है सेम, तो अगर प्लस करेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एलसीएम तो सेम होगा, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड अगर करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या मिल जाएगा, इधर आई और उधर भी आई, आई प्लस आई टू आई, टू आई इज इक्वल टू ऊपर में मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे में मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एलसीएम तो यही है, और कहां से कहां तक पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री तक डीएक्स, ये दोनों चीजें सेम है कैंसिल हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन मिल गया हमारा पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, और अंदर में क्या बच गया कुछ नहीं, वन, वन का इंटीग्रेशन कैंसिल होकर के तो वन ही होगा ना, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, कहां से कहां तक पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री तक, यानी पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया पाई बाई सिक्स, ये हो गया इसका आंसर। तो प्रॉपर्टीज को ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जरूरत के हिसाब से हम प्रॉपर्टीज को ऐसे इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने इंडेफिनिट में भी किया था, पूरा एक पेज का सॉल्यूशन आया था, यहाँ पर अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो यहाँ से सीधे आप यहाँ आंसर आ सकते हैं, सीधे मैं ये कहूँ कि ज्यादा से ज्यादा दो चार सेकेंड लगेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई इसमें गलत बात नहीं होगी, मैं पूरी तरह से जस्टिफाइड बात बोल रहा हूँ। कैसे, ध्यान से देखिए एक बार इसको कैसे कर सकते हैं, पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस एक्स साइन कॉस में बदल जाएगा कॉस साइन में, नीचे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगा क्या कि साइन कॉस कॉस साइन में बीच में प्लस का साइन है तो सेम ही रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर में कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा, कट के क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स हो गया तो उसका इंटीग्रेशन वन आएगा और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एक्स आ जाएगा फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ओवरऑल आंसर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको ट्रिक ही चाहिए तो आप ट्रिक के आधार पर इसे लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर ए प्लस बी पाई बाई टू हो रहा हो इस तरह का फंक्शन, और ये फंक्शन कैसा है साइन एक्स और कॉस एक्स में हो, तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू, यानी पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स डिवाइडेड बाई टू, ये हमेशा आंसर आता है। कैसे, यहाँ टू क्यों, अब टू इसलिए कि ये टू आई है पाई बाई सिक्स आया है, तो आई कितना आएगा आई आ जाएगा पाई बाई सिक्स इंटू वन बाई टू दैट इज पाई बाई ट्वेल्व, तो आंसर पाई बाई ट्वेल्व होगा, ठीक है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू बसरते वो पाई। अब सवाल ये है कि ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो ये जहां दिल करे वहां लगा सकते हैं, मतलब ये जैसे देखिए दिल कहाँ कहाँ करेगा आपका, जीरो से पाई बाई टू साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, तब भी आप लगा सकते हैं, क्या आंसर आएगा यही आएगा पाई बाई टू माइनस जीरो बाई टू, यानी पाई बाई फोर आंसर आएगा, ठीक है। अब कैसे, आखिर कैसे आएगा पाई बाई फोर, इसको देखते हैं। तो इसको कैसे करोगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, सिंस आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये है dx, इसको हमने वन मान लिया। अप्लाइंग द सेम प्रॉपर्टी अगेन देन व्हाट विल हैपन, अगर अप्लाई करूं मैं प्रॉपर्टी दोबारा तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स, वही हो गया डिवाइडेड बाई साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये लिखने के लिए है सिर्फ क्यूब है सब में पावर, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा डीएक्स, ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू
साइन बदल गया कॉस क्यूब एक्स में, नीचे कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स है ना dx, ये हो गया दूसरा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, वन प्लस टू, सॉरी एडिंग वन एंड टू, वी गेट क्या मिलेगा, टू आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, जीरो से पाई बाई टू, ऊपर में नीचे में ये एलसीएम ये है, दोनों में सेम ही है, ऊपर वाले जुड़ेंगे और ऊपर वाले जुड़ के भी क्या बन जाएंगे, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, नीचे में भी यही है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और ये कट के क्या हो जाएगा वन, यानी जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स, यानी एक्स कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाई टू तक, क्या आ गया पाई बाई टू, एंड देयर फोर टू आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर, और यही आंसर आ गया जो आप बिना कुछ किए विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लिख सकते हैं आंसर आसानी से। अब इस तरह के क्वेश्चन का हमेशा आंसर यही होगा, इसके सिवाय कुछ और नहीं होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू। अब ये क्या पावर थ्री हो तभी होगा, नहीं जी, पावर फाइव सेवन नाइन इलेवन कुछ भी हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, थ्री बाई टू, फाइव बाई सेवन, कुछ भी हो, आंसर हमेशा यही होगा। क्यों? क्योंकि पावर कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पावर, इसको तो फाइनली क्या होना है, कैंसिल हो जाना है, फाइनली कैंसिल ही हो जाना है। तो जब फाइनली कैंसिल ही हो जाना है तो इसके पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जैसे देखिए, जीरो से पाई बाई टू साइन क्यूब थ्री बाई टू एक्स अपॉन साइन थ्री बाई टू एक्स प्लस कॉस थ्री बाई टू एक्स डी एक्स, तब भी क्या आंसर पाई बाई फोर होगा। यस, आप करके देख सकते हैं उसी तरह से। अब सवाल ये उठता है, क्या ये साइन कॉस का पेयर हो तभी ऐसा करेंगे, नहीं जी, इसके और भी तरीके हैं, जैसे ये भी क्वेश्चन हो तभी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये इंटीग्रेशन है हमारा जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट टेन एक्स अपॉन अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, तब भी आप ये लिख सकते हैं क्या पाई बाई फोर ही होगा। क्यों? टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, जैसा पहले हुआ है वैसा ही यहाँ भी होगा। क्या और भी इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। साइन कॉस में बदल जाता है 90 माइनस थीटा करने से, कॉस साइन में बदल जाता है तो साइन कॉस का एक पेयर हुआ, उसी तरह से टेन कॉट का एक पेयर हुआ, और किसका पेयर होता है, सेक कोसेक का एक पेयर होगा, तो सेक कोसेक का भी एक पेयर होगा, इसलिए हम उसका भी एक कर सकते हैं कि सेक और कोसेक का एक पेयर हो सकता है, यानी यहाँ पर भी जीरो टू पाई बाई टू, अगर मान लीजिए सेक का पावर 5 बाई 7 एक्स, और नीचे में लिखा है सेक का पावर 5 बाई 7 एक्स, 5 बाई 7 कोई फ्रैक्शन भी हो, इंटीग्रल भी हो, तब भी कोसेक का पावर 5 बाई 7 एक्स डीएक्स, तब भी इसका आंसर पाई बाई 4 ही होगा। इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा लिखोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा लिखोगे तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर यहां भी वैसा ही होगा। अब ये दोनों मिल करके पाई बाई टू होना चाहिए, दोनों मिलके पाई बाई टू होना चाहिए, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू, इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं और इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। क्या इसको करके देखें, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस तरह से, सेक को सेक वाला कोई भी आपको आइडिया तो होना चाहिए। तो ये लिख दिया जीरो टू पाई बाई टू, या क्या जीरो टू पाई बाई टू ऐसे ही लिखे, या कुछ और भी हो सकता है, ये पाई बाई थ्री से पाई बाई सिक्स ये भी हो सकता है, ठीक है, आप 45 डिग्री से 75 डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं, आप 15 डिग्री 75 डिग्री भी लिख सकते हैं, जैसे पाई बाई 12 से 5 पाई बाई 12 लिख दिया, ये भी हो सकता है इंटीग्रेशन। और ये है लिखा हुआ कितना कि सेक पावर सेक टू द पावर 5 बाई 7 एक्स अपॉन सेक टू द पावर 5 बाई 7 एक्स प्लस कोसेक टू द पावर 5 बाई 7 एक्स डीएक्स, ऐसा कुछ लिखा, तो आप क्या करेंगे, यही होगा। आप देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू,
ट्रिक हमारा ये कहता है कि आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, ट्रिक ये कहता है कि आंसर होना चाहिए 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 2, 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 4 पाई बाई 12, 4 पाई बाई 12 मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इज पाई बाई 6, दैट विल बी आंसर। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्कूल के लिए कंसेप्चुअल मेथड क्या होना चाहिए वो हम लिखना चाहते हैं। कंसेप्चुअली आप कैसे करेंगे, अगर आपको स्कूल में लिखना हो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको लिखिए सेकंड। नाउ आल्सो आई इज इक्वल टू पाई बाई 12 टू 5 पाई बाई 12, है ना, और ये हो गया सेक 5 पाई बाई 7 पाई बाई 5 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 कितना हो जाएगा 6 पाई बाई 12, 6 पाई बाई 12 माइनस एक्स, यानी 6 पाई बाई 12 का मतलब पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे लगा दिया सेक 5 पाई बाई 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कोसेक 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स होल टू द पावर 5 बाई 7 डीएक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या लगाया ये लिखना जरूरी है, प्रॉपर्टी हमने लगाया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये लगाई है हमने। और ऐसा लगाने से क्या मिल गया हमें, ये हो गया पाई बाई 12 से 5 पाई बाई 12 तक, ये कोसेक 5 पाई 7 एक्स, नीचे हो गया कोसेक 5 बाई 7 एक्स प्लस सेक 5 बाई 7 एक्स, ये हो गया डी एक्स, ये हो गया दूसरा। अब दोनों को ऐड कर दिया जाए देन व्हाट विल कम, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आप देखिए 2y इज इक्वल टू मिल जाएगा ये पाई बाई 12 टू 5 पाई बाई 12 और dx मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखें इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम, और न्यूमरेटर प्लस होगा तो सेक और कोसेक का पेयर बन जाएगा ऊपर, नीचे में सेक और कोसेक का है ही है तो जो नीचे है वही ऊपर आएगा, दोनों चीजें सेम हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल 2i करने से, पहले भी हुआ था अब भी होगा आगे भी होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इससे क्या मिल जाएगा, ये मिल गया इंटीग्रल x और इसकी लिमिट रख देंगे पाई बाई 12 टू 5 पाई बाई 12, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 दैट इज 4 पाई बाई 12 दैट इज पाई बाई 3, सो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाई 6, यानी क्वेश्चन वही है, आप ये पूरा डिटेल लिखना पड़ता है, जो इतना डिटेल लिखेंगे स्कूल में तो आपको नंबर मिलेगा, कंपटीशन में ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सेकंड की जरूरत होगी, 3 to 5 सेकंड जिससे आप आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रॉपर्टी का एक और भाई है, इस प्रॉपर्टी का ये जो प्रॉपर्टी था हमारा ए टू बी डी एक्स, है ना, था ना ये प्रॉपर्टी ए टू बी डी एक्स, ये फोर्थ प्रॉपर्टी, इसका एक अगर मान लीजिए इस प्रॉपर्टी में कोई आदमी यहाँ पे जीरो लिख दे और यहाँ पे बी के जगह पर ए लिख दे, ए के जगह पर जीरो और बी के जगह पे 1, तो क्या हो, बी के जगह पर ए, तो ये प्रॉपर्टी कुछ किस तरह का हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हो जाएगा बी के जगह पर ए लिख दिया जाए तो ये क्वेश्चन का प्रॉपर्टी ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 + a माइनस एक्स, ये 0 to a लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो पहले भी चेंज नहीं हो रहा था, अब भी चेंज नहीं होगा, इसको लिख देंगे a माइनस एक्स डी एक्स, ए माइनस एक्स डी एक्स, ये ऐसा प्रॉपर्टी बन जाएगा, है ना, इफ ये ऐसा हो जाए तो ये प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी बन जाएगा। और यही यहाँ पे जहां पे जीरो था वहां पे ऐसा ही कुछ हो रहा था, ध्यान से देखिए कि जहां पे जीरो था वहां पे ही हो रहा था a माइनस एक्स, ये a है ये x है तो यहाँ a माइनस एक्स हो गया कि नहीं हो गया, a माइनस एक्स a माइनस एक्स, तो दोनों प्रॉपर्टी एक ही है, लोग अलग अलग समझते हैं इसको,
अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आप भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी ऐसी मानी जाएगी कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये एक प्रॉपर्टी होगी। अब इसको अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछला हमने प्रूफ किया था, उसी तरह से चाहो तो इसको भी प्रूफ कर सकते हो और इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पांच प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से पहले समझ लें, इसको एनालाइज करें, इसको अच्छी तरह से इस पे क्वेश्चंस करें। तो इसके क्वेश्चंस भी तो हमने कर ही दिए हैं पीछे a माइनस एक्स, और अगली वीडियो में फिर अगली क्लास में हम आगे की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आगे और भी प्रॉपर्टी है, उस पे जितने क्वेश्चंस होंगे उनको भी आगे डिस्कस किया जाएगा। तब तक इस प्रॉपर्टी पे जितने क्वेश्चंस आपको मिले उन सब क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चंस चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.arvindsingh.com जो है उस पर से क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन को तसल्ली से कीजिए। असाइनमेंट्स आपको ऑलरेडी दी गई है, उस असाइनमेंट्स को भी आप करते रहें, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। सो थैंक यू।